देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। 5 दिवसीय ज्योति पर्व से इन दिनों भारतीय जनमानस प्रकाशित हो रहा है। धनतेरस से लेकर अब तक यह पर्व गोवर्धन पूजा तक पहुंच चुका है और इसी पूजा का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। नगर स्थित श्री बिहारी जी के मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली के दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यहां गोवर्धन पूजा को उत्सव के रूप में मनाया गया। ब्रजवासियों का यह मुख्य त्योहार अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, गाँव पूजा, बड़ा मनोरथ व मार्ग पाली उत्सव के विभिन्न नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। इस पूजा को श्री बिहारी जी के मंदिर में पारंपरिक रूप से मनाया गया। गोवर्धन पूजा के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इंद्र ने जब वर्षा करना शुरू किया तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर इसे छाते के रूप में तान कर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इंद्र का अहंकार जब साथ में दिन टूटा तब पर्वत की कृष्ण के नीचे रख ब्रजवासियों को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया और तभी से परंपरा चली आ रही है। उसी पूजा के निमित्त यहां गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर लोगों ने उसकी विधि विधान पूर्वक पूजा और परिक्रमा की। गाय को प्रसाद खिलाकर उसकी पूजा की। वास्तव में अगर देखा जाए तो गोवर्धन पूजा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रकृति के प्रति हमारे अनुराग की प्रतीक भी है। पर्वत, वन संपदा, गो पूजा, पर्यावरण आदि की रक्षक संदेश देने के साथ ही साथ पूजा घमंड को त्यागने का भी संदेश देती है। इस पूजा में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाने का प्रावधान है। कहते हैं कि 56 भोग लगाए जाने का कारण भी है, वह यह है कि श्री कृष्ण 7 दिनों तक पर्वत उठाया था। एक दिन के 8 प्रहर के भोग के अनुसार उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। आज कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है आज? बांके बिहारी जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। गोवर्धन पूजा हुआ है। गोवर्धन पूजा के बाद लोगों ने जो है शालिग्राम और रामलला जी का जो है पूजन अर्चन के बाद परिक्रमा हुआ है गोवर्धन जी का। गोवर्धन जी की पूजा अर्चन के बाद अन्नकूट में 56 भोग लगा है। 56 भोग का जो है लोगों ने दर्शन किया है। अब इस समय जो है प्रसाद ग्रहण लोग कर रहे हैं और प्रसाद जो लोग ग्रहण करने के बाद प्रसाद अपने अपने यहाँ घरों को भी। कितने वर्ष से ये कार्यक्रम? ये हमारे जन्म से बहुत पहले से ये कार्यक्रम अनवरत चला आ रहा है। ये 56 भोग का अन्नकूट महोत्सव ये कार्तिक के पहले प्रतिपदा को मतलब दीपावली के दूसरे दिन से अनवरत यहाँ बिहारी जी के मंदिर में आजमगढ़ में मनाया जाता है और चला रहा है। इसका महत्व यह है कि कम से कम जो लोग आज प्रसाद ग्रहण करते हैं अपने घरों को ले जाते हैं उनको कम से कम पूरे वर्ष अन्न की दिक्कत नहीं होती है, भोजन की दिक्कत नहीं होती है और धन धान से जो है संपन्न परिपूर्ण रहते हैं। ये इसकी महत्व है।